हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेमा टाइम में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थ्री नंस विद बिग गन्स मूवी को, पर प्लीज़ उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें पाँच लोग, फादर बर्नेडो ड्राइवर और तीन नन बैठी होती हैं। फादर बर्नेडो ड्रग का व्यापार करते हैं, तभी बस को दो ड्रग डीलर रोकते हैं। उसके बाद फादर बर्नेडो के कहने पर ड्राइवर उन नंस से सूटकेस लेकर ड्रग डीलर को देता है। चाओ नाम का ड्रग डीलर बैग्स चेक करता है पर एक सूटकेस में एक पैकेट कम मिलता है। इसी वजह से वो बस में जाकर एक नन को मार देता है और वो दूसरी नन को मारने ही वाला होता है। तब वो नन डर जाती है जिसने पैकेट चुराया था और वो पैकेट निकाल कर देती है, पर डीलर उसे भी मार देता है। और आखिरी नन जिसका नाम सारा है उसे वो अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हमें चाव को एक जगह दिखाया जाता है जहाँ गलत काम होते हैं और ये चाव का ही अड्डा है। तब चाव के पास जॉन नाम का एक आदमी आता है और वो एक सूटकेस में ड्रग और पैसा देता है, जिसके बाद चाव जॉन के लिए उस सिस्टर सारा को तैयार करता है। डॉक्टर सारा को इंजेक्शन दे रहा होता है, तभी वहाँ चाव आ जाता है और डॉक्टर से कहता है कोई सारा का इंतजार कर रहा है और उसे जल्दी तैयार करो। और डॉक्टर कहता है अभी ये तैयार नहीं है और अगर फिर भी तुम ऐसा करोगे तो सारा मर सकती है। पर चाओ डॉक्टर की बात नहीं मानता और सारा को खुद ही इंजेक्शन लगा देता है और सारा को रूम में छोड़ आता है। फिर उसी रूम में जॉन जाता है और सारा को मारते हुए फिजिकल होने लगता है और ये चाओ को पता लग जाता है और वो जाकर जॉन को ही मार देता है। फिर डॉक्टर सारा का इलाज करते हैं और सारा को खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक गन देते हैं, पर सारा उनको ही मार देती है। और फिर एक साल बाद का समय दिखाया जाता है। वहाँ फादर कार्टिलोस एक नन एंजेलिना से बात करते हैं। एंजेलिना बताती है कि एक नन ने डॉक्टर बर्नेडो के ड्रग के धंधे को चौपट कर डाला और सिर्फ दो गन से लोगों को एक एक करके मार डाला और उसके बाद फादर बर्नेडो को भी मार दिया। सिस्टर एंजेलिना सारा की ही बात कर रही होती हैं। उसके बाद हमें चाओ के गैरेज को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी अपनी कार की रिपेयरिंग कराने आता है, जिसके साथ उसकी वाइफ और बेटी भी होती है। तब उनके पास किक स्टैंड और हाइब्रिड भी आता है और उन दोनों के साथ मिसबिहेव करने लगता है। तब वो लेडी अपने पति को बुलाती है, तभी वहाँ पर चाव आता है और उस आदमी को दूर ले जाकर बैठ जाता है और उधर उस आदमी की वाइफ का किकस्टैंड रेप करने लगता है, लेकिन वो आदमी उन्हें बचा नहीं पाता इसलिए वो रोने लगता है। तब चाव उसे एक ऑफर देता है कि तुम जाकर अपनी वाइफ को बचाओ और अगर तुम बचा लेते हो तो तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। तब वो आदमी अपनी वाइफ को बचाने जा ही रहा होता है, तब चाओ उसे पीछे से गोली मार देता है और चाओ जाकर उस आदमी की बेटी से बात करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का आकर चाओ से कहता है कि फ़ोन पर कोई तुमसे बहुत अर्जेंट बात करना चाहता है। चाओ अंदर जाकर कॉल पर बात करता है, तब उसे फादर बर्नेडो की मौत के बारे में पता चलता है। तब एक गोली की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि किकस्टैंड उसी आदमी की वाइफ को मार देता है और बेटी को अपने साथ लेकर जाता है। और रात में दिखाया जाता है सारा के पास सिस्टर एंजेलिना आती है। सिस्टर एंजेलिना कहती है वो अभी गन उठाने के लिए तैयार नहीं है और वो बहुत डरी हुई होती है। फिर हमें फादर कार्टिलोस के मर्डर दिखाया जाता है। सारा गन लेकर फादर कार्टिलोस से मिलती है। कार्टिलोस को यह पता चल जाता है और वो पिस्टल से सारा को शूट करता है, पर सारा बच जाती है और फादर कार्टिलोस को मार देती है। फिर वहाँ से एक आदमी सारा पर फायर करने लगता है। सारा को इसके बारे में पता ना होने की वजह से एक गोली उसे लग जाती है पर वो उसे भी मार देती है। फिर वो गाड़ी से कहीं जाती है और एक रूम के बाहर जाकर एक लड़की को पैसे देती है और वो लड़की उसे एक रूम की चाबी देती है। फिर हमें चाव को दिखाते हैं और उसे उसी आदमी का कॉल आता है और वो चाव से मदर मैगडा से मिलने की कहता है और उसे डबल अमाउंट की डील करता है। फिर वो मदर मैगडा से मिलने जाता है। मदर मैगडा चाव को फादर कार्टिलोस की बॉडी दिखाती है। चाव पूछता है ये किसने किया। मैगडा बताती है सिस्टर मैरी ने उसे अपनी आंखों से देखा है। तब चाओ मदर मैगडा से सिस्टर मैरी को बुलाने को कहता है। सिस्टर मैरी वहां आ जाती है। तब चाओ उनसे बड़े ही गंदे तरीके से पूछता है वो कौन है, पर सिस्टर मैरी ने 20 साल से कुछ भी नहीं बोला होता इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। तब चाओ किक स्टैंड को वहाँ बुलाता है और वो आते ही मैरी का रेप करने लगता है। तब सिस्टर मैरी बताती है कि वो एक नन है और ये बात सिस्टर एंजेलिना भी वही चुपकर सुन लेती है। तब चाओ अपने लोगों के साथ वापस जा रहा होता है। उसे वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है और वो वहाँ चेक करवाता है। वहाँ उसे सिस्टर एंजेलिना मिलती है पर वो उन्हें छोड़ देता है क्योंकि वो कातिल नहीं लग रही थी।
और चाओ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिस्टर एंजेलिना फादर कार्टिलोस की बॉडी को देखने आती है। तभी मदर मैगडा उसे पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि फादर को गोली उसी ने मारी है। और मदर मैगडा एंजेलिना को घसीटते हुए ले जाती है और चाओ को बेच आती है। तभी हाफ ब्रीड के पास वही लड़की आती है जिसने सारा को स्टे करने के लिए रूम दिया था। और हाफ ब्रीड को वो बताती है कि कल रात में कोई घायल नन उसके यहाँ आई थी जिसको उसने रूम दिया था, और वो उस नन की फोटो भी दिखाती है। तब हाफ ब्रीड होटल उसी लड़की की बहन को फोन करता है और सारा को पकड़ने की कहता है। वो लड़की सारा के कमरे में जाती है और नॉर्मल बात करती है और मानने ही वाली होती है, पर सारा को ये पता चल जाता है। सारा उसे जाकर किस करने लगती है और फिजिकल होने का नाटक करती है और मौका मिलते ही उसकी गन से उसे ही मार देती है। फिर वहाँ किक स्टैंड पहुँचता है और हाफ ब्रीड को कॉल करके कहता है उस नन ने इस लड़की को भी मार दिया और वो भाग गई है। उसके बाद सिस्टर सारा को दिखाते हैं, वो जाकर मदर मैगडा को मार देती है और एक कमरे में डालकर वहाँ आग लगा देती है और चाओ के अड्डे पर जाकर उसके सभी आदमियों को मारने लगती है। तभी एक लड़की सारा को देख लेती है और हाफ ब्रीड को बता देती है, और पीछे से हाफ ब्रीड उसके गले में चाकू रख गन को फेंकने की कहता है, पर सारा उसको फेंकते ही उसे दूसरी गन से शूट कर देती है और वो किक स्टैंड को उसी के चाकू से मार देती है। फिर वो आगे बढ़ती है, वहाँ चाओ सिस्टर एंजेलिना के साथ जबरदस्ती रोज सेक्स कर रहा होता है। सारा उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। चाओ बहुत डर जाता है और एंजेलिना भागते हुए सारा के गले लग जाती है और सारा उसे मेन पार्ट पर शूट करती है। चाओ चिल्लाने लगता है और वो दोनों उसे शूट करके मार देती हैं। और फिर सारा और एंजेलिना के किस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाइयों सपोर्ट करो, लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत अभी मुझे बहुत है।